वही उत्तराखंड राज्य की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन छात्र छात्राओं में खास उत्साह नजर आया। पेपर देकर विद्यालय से बाहर निकले छात्र छात्रों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। परीक्षार्थियों का कहना था कि हिंदी का पेपर उनकी उम्मीद से बेहतर आया है। हालांकि आने वाले विषयों के पेपर को लेकर बच्चों टेंशन में दिखे। बच्चों का कहना था कि पेपर के बीच में तैयारी करने का समय कम है, उसके बावजूद वह पूरी तरह से तैयार हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और परीक्षा के मद्देनजर जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके 100 मीटर की परिधि में एक धारा 144 लगा दी गई है। आज जो परीक्षाएं हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो रही हैं और शाम की पाली में भी जो है उसको देखा जा रहा है। देखिए, धारा 144 लगाई गई है और जो भी सुरक्षा के इंतजाम बोर्ड द्वारा मांगे गए थे वो दिए जा रहे हैं। हिंदी का पेपर था और पेपर बहुत अच्छा रहा। किस तरह की तैयारी करी थी और विषय के कैसे अब आगे टेंशन होगी? तैयारी तो अच्छी करी थी पर पेपर उससे भी अच्छा आया और विषयों की टेंशन तो है क्योंकि गैप तो ज्यादा मिला है पर टफ है थोड़ा, तो इससे टेंशन हो रही है। पेपर बहुत अच्छा रहा हमारा, जैसा सोचा था वैसे ही आया था और काफी अच्छा रहा। और आगे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पेपर अभी टफ है आगे? हाँ, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। मतलब हिंदी का पेपर था बहुत अच्छा गया। आजकल तो पहला पेपर था हिंदी का अच्छा ही जाता है, बाकी दूसरे पेपर्स के बहुत टेंशन है क्योंकि गैप बहुत कम मिला हुआ है। और किस तरह की तैयारी थी आप लोगों की? और तैयारी तो अच्छी खासी थी बट थोड़ा टाइम का थोड़ा हो रहा था, एवरेज टाइम मिलना कम हो रहा था क्योंकि हर चीज़ था, स्कूल का था, बाकी पढ़ाई वगैरह थी, बाकी अपना मैनेज कर ही लिया था।